राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने जहां आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी हवा के जहरीली होने के कारण आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से ही AQI का लेवल इतना बढ़ा है कि आम लोग गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्याओं से परेशान है। दिल्ली के इलाकों में बढ़ रहे प्रदूषण और यहाँ पर मुश्किलों से आम आदमी जहाँ परेशान है, वहीं गाजियाबाद और नोएडा में भी आम लोगों की जिंदगी पर इसका बड़ा असर पड़ा है। गाजियाबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक हो गए हैं। हालत यह है कि यहाँ पर AQI का लेवल हमेशा बेहद खतरनाक स्तर पर है। इन इलाकों में बच्चों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालत यह है कि नोएडा में प्रदूषण की वजह से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सारे स्कूलों की क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के आदेश पर नोएडा में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सारी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई है। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कारण सिर्फ वही जहरीली हवा है जिसके कारण दिल्ली और NCR में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा और गाजियाबाद को दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित इलाकों के रूप में टॉप 10 की सूची में रखा गया है। दिल्ली भी इस सूची में टॉप 5 स्थानों में से एक है। सोचिए कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के इलाके में हवा का जो स्तर है, उससे वहाँ के आम आदमी की जिंदगी क्या होगी। हर रोज जो लोग सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, उन्हें किस तरह की हवा का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि नोएडा और गाजियाबाद की ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग अब तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं। 10 में से 8 लोगों को सांस की कोई ना कोई तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन इन सबके बीच सरकार के इंतजाम कुछ नहीं है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर रोकने के लिए इस बार कोई खास फैसला नहीं होता। जब हवा जहरीली हो जाती है तो स्कूल बंद हो जाते हैं, सड़क पर पानी छिड़का जाता है, लेकिन हर साल जो समस्या बड़ी हो रही है, इसके लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं होता। लोग दिवाली से लेकर तमाम मौकों पर प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी के लिए चिंता किसी को नहीं है। लेकिन जो लोग परेशान हैं, सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। सांस की तकलीफ से लेकर दिल की बीमारियों तक के तमाम रोग जिन्हें हो रहे हैं, सोचिए कि उनका जीवन आखिर क्या हो गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।